हमने बहुत देखा राजनीतिक आतंकवाद, आतंकवाद का काफला, उनके खिलाफ काफला, एक गोली चलती दस चलाते। मंगल गोलियों से हम नहीं डरे, पर हमारा काफला कहां रुका? राजनीतिक आतंकवाद ने हमारे काफले को रोक दिया, जिन आतंकवादियों ने हमारे पे बम चलाए, 35 लोग शहीद हुए, जवान शहीद हुए, 20 साल केस लड़ते रहे। अखीर में उस वकील कौन खड़ा हुआ? कांग्रेस का कपल शिपल, उस आतंकवादी का वकील खड़ा हो गया उसको बचाने के लिए। वो क्या बना? हिंदुस्तान का मंत्री छूट गया, अपरोल पे चला गया। फिर केजरीवाल जी आ गए, अब उन्होंने कहा दिल्ली में चुनाव है। मैं राजनीतिक आतंकवाद की बात सुनाता हूं क्योंकि आपका एक संघर्ष है, यह संघर्ष है, यह नहीं कि संघर्ष की आप कामयाब हो जाओगे। आप आतंकवादियों से लड़ लोगे, बम्बों से लड़ लोगे, पाकिस्तान से लड़ लोगे, आईएसआई से लड़ लोगे, पर हिंदुस्तान के राजनीतिक आतंकवाद से नहीं लड़ सकते, ये मेरी गारंटी है, मेरा। क्या हुआ? अब चुनाव है, सिख वोट चाहिए। क्या मैं सिख नहीं हूं? हाँ, मैं ये जरूर कहता हूं मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम, ये भारत में पैदा हुआ। और गोलियों बम्बों से भगवान जब भी जाऊं, दो मिनट का इतना वक्त दे देना, कुछ नहीं मांगता, इतना मुंह से निकल जाए भारत माता की जय वंदे मातरम। ये भारत माँ, ये वंदे मातरम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहो, आपस में भाई भाई नहीं, अलग अलग, कैसे देश बचेगा? वो आतंकवादी को केजरीवाल जी ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी, इसकी फांसी की सजा माफ कर दो, माफ कर दी। फिर उसके बाद क्या गुनाह किया? हमने तो गुरु गोविंद सिंह जी की सोच पे चलते हुए, हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर की सोच पे चलते हुए, मजलूमों की, हिंदू भाइयों की रक्षा करते हुए, सिख कौम चलाई थी, हमने तो उनकी रक्षा करते हुए आपको जीवन दे दिया। इन आतंकवादियों ने बेगुनाह हिंदू भाइयों को मारा, हमने गुरु गोविंद सिंह जी की सोच पे चलते हुए, उन पे गोली न चले, अपने सीने पे गोली खाते थे, ठीक है, आप हमें कौम का गद्दार कहना कह दो, हमने गुरु गोविंद सिंह जी की सोच के उलट, भारत माँ की सोच के उलट काम नहीं किया। अब उसको पंजाब भेज दिया जाए, अस्पताल के अंदर एयर कंडीशन में, वहां चले गए। अब वहां की सरकार कहती है, अगर केजरीवाल ने इतना बड़ा काम कर दिया, वोट तो हमें भी चाहिए, तो हम इसको प्रोर पे छोड़ देते हैं। अब धीरे धीरे वो नेता बनता जा रहा है, फिर वो इलेक्शन लड़ेगा, जब उसकी पत्नी इलेक्शन लड़ेगी, इसको क्या कहोगे? राजनीति का तक